जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने की चर्चा को लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि बृहस्पति का अस्त होना देश दुनिया और आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप जान लें कि धन और ज्ञान के कारक बृहस्पति 28 मार्च को अस्त हो रहे हैं, जो 27 अप्रैल तक अस्त रहने वाले हैं। कुछ पंचांगों में गुरु के अस्त होने की तारीख 1 अप्रैल से 3 मई मिल रही है, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनुअली कैलकुलेट करके देखा है और कई पंचांगों को भी खंगाला है। तो ज़्यादातर पंचांग 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच ही गुरु का अस्त होना बता रहे हैं। गुरु बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, क्योंकि इसका गोचर लगभग एक साल में बदलता है और यह ज़्यादातर साल में एक बार ही अस्त हुआ करता है। अतः इसके अस्त होने का सभी राशियों पर बृहद गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बृहस्पति को संतान, शिक्षा, विवाह, धन, भाग्य और धार्मिक कार्यों का कारक ग्रह माना गया है। स्वाभाविक है, बृहस्पति के अस्त होने से जीवन के इन महत्वपूर्ण कार्यों में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ज़्यादातर विद्वान बृहस्पति के अस्त होने की अवस्था में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से परहेज करते हैं। इस बार के बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव पिछले सालों की तुलना में अधिक पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार बृहस्पति अपनी ही राशि में अस्त होने वाले हैं और अस्त अवस्था में रहते ही रहते 22 अप्रैल 2023 को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का अस्त हो जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ कमजोर स्थिति कही जाएगी। भारतवर्ष की कुंडली में बृहस्पति 8वें और लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में ही अस्त हो रहा है। स्वाभाविक है कि यह समय अवधि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के पनपने का संकेत कर रही है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव भी संभावित हैं। आम जनमानस के लिए भी बृहस्पति का अस्त होना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। बृहस्पति के अस्त होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बृहस्पति आपके भाग्य और खर्च के स्थान के स्वामी हैं और यह खर्च के स्थान में ही होकर अस्त हो रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता और बृहस्पति वहीं पर अस्त भी हो रहा है। लिहाजा मेष राशि वाले लोगों को बृहस्पति के अस्त होने से बहुत अधिक परेशानियां नहीं होंगी। हालांकि जिन कामों को भाग्यवशात होने की उम्मीद थी, उनमें कुछ विलंब लग सकता है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन खर्चों में कमी आने के भी योग निर्मित होंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु संत और गुरुजनों की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति का अस्त होना वृष राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा। वृष राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें और लाभ भाव के स्वामी हैं और यह लाभ भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं से आने वाले पैसे विलंब से मिल सकते हैं। पेट और जननांगों से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यदि पहले से कोई समस्या रही है तो वह ठीक भी हो सकती है, यानी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होने वाली हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि पर बृहस्पति के अस्त होने का क्या असर पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें और कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। रोजमर्रा के कामों में भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वरिष्ठों के साथ संबंध कमजोर न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना भी इस समय जरूरी रहेगा। हालांकि बृहस्पति आपकी कुंडली का बाधक ग्रह है और बाधक ग्रह का अस्त हो जाना कुछ लंबे समय से लंबित कामों को पूरा करवाने में मदद भी कर सकता है, यानी अड़चनें कम हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का अस्त होना कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान पर ही अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप लंबी दूरी की यात्राओं में कुछ फेरबदल संभावित है। यदि आप कहीं से लोन इत्यादि के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति में भी विलंब लग सकता है। इस अवधि में पिता और पितातुल्य व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। साथ ही साथ पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी तो जरूरी ही रहेगा। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। उपाय की बात करें तो नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए बृहस्पति का अस्त होना कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। सिंह राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में ही अस्त हो रहा है। अतः बृहस्पति का अस्त होना आपको कुछ मामलों में फायदा भी पहुंचा सकता है। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। हालांकि इस समय आपके स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति के इस गोचर के चलते कमर के आसपास या जननांगों से संबंधित कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में
घी और आलू का दान करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का अस्त होना कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने दैनिक कामों में ज्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं भी देखने को मिल सकती हैं, हालांकि पिछले समय की बाधाएं दूर होने के योग भी बनेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का अस्त होना तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पर यानी छठे भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने आत्मविश्वास पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि गुरु के अस्त होने के कारण आपके विरोधी काफी हद तक शांत रह सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर के बुजुर्ग पुजारी को कपड़े दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का मीन राशि में अस्त होना वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव तथा पंचम भाव के स्वामी हैं और ये पंचम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति के अस्त होने से विद्यार्थियों को कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस अवधि में हो सकती हैं। परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी न आने पाए इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। इस अवधि में संचित धन को व्यर्थ जगह खर्च करने से भी बचाने की जरूरत रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु संतों की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का मीन राशि में अस्त होना धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, बृहस्पति आपका राशि स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और यह चतुर्थ भाव में ही अस्त हो रहा है, अतः आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। मन में कुछ हद तक अशांति के भाव रह सकते हैं। इस अवधि में भूमि भवन या वाहन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसे यथासंभव टालने की कोशिश करें या फिर अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद ही साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद ही उस पर अमल करना फायदेमंद रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बड़े बुजुर्गों की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव में ही अस्त हो रहे हैं, अतः भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। बेहतर होगा गलतफहमियों को स्पष्ट तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि इस समय व्यर्थ के खर्चे कम होंगे लेकिन आत्मविश्वास में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है, उसे भी मेंटेन करना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मीन राशि में अस्त होना कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी होने के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव में ही अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप यह समय अवधि आर्थिक मामलों में कमजोर परिणाम दे सकती है। इस अवधि में घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध कमजोर रह सकते हैं। बेहतर होगा इस अवधि में कम बोलें और सार्थक बोलें। व्यर्थ के वाद विवाद तथा खर्चों से बचने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यथा सामर्थ्य जरूरतमंद बुजुर्गों को कपड़े दान करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि मीन राशि में बृहस्पति का अस्त होना मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। मीन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी होने के साथ साथ आपका राशि स्वामी भी है, लग्न से देख रहे हैं तो लग्न स्वामी भी है और यह आपकी राशि पर ही अस्त हो रहा है, अतः इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक कमजोर रह सकती है, अतः गंभीर चिंतन मंथन के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णयों में पहल जरूरी रहेगी। इस समय एक्सपर्ट एडवाइज लेने की भी जरूरत रह सकती है। कार्य क्षेत्र के मामले में भी कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। वरिष्ठों के साथ इस समय बेहतर संबंध बनाए रखने की भी जरूरत रहेगी। कोशिश करेंगे तो संबंध बेहतर बने रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय के ही देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी यानी देसी घी वाली रोटी खिलाना शुभ रहेगा। तो उम्मीद है कि बृहस्पति के अस्त होने के परिणामों को जानने के बाद आप उसके अनुसार बेहतरीन योजना बनाएंगे और अपने जीवन में उपलब्धियों का संतुलन बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।